दो पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दूसरे पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखने पर विधायक गायत्री राजे पवार अपने समर्थकों के साथ औद्योगिक थाने पर रात तकरीबन 2 बजे पहुंची, जिसके बाद थाने पर जब तक खड़े रही जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। दरअसल जवाहरनगर के भाजपा पार्षद रूपेश वर्मा और उसके साथी मनीष पिता कचरूमरदास बैरागी का विवाद जीतू निवासी सौरेदय नगर पुष्पेंद्र और राजेंद्र निवासी गंगानगर से पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर औद्योगिक थाना पुलिस ने राजेश पिता भागीरथ प्रसाद शर्मा निवासी ओम साई विहार की रिपोर्ट पर जवाहर नगर के पार्षद रूपेश वर्मा और उसके साथी मनीष पिता कचरूमरदास बैरागी के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। घटना रात तकरीबन 9 बजे की ओम साई विहार कॉलोनी की बताई जा रही है। पुलिस ने रात को 12 बजे प्रकरण दर्ज किया। इधर गंगानगर में मंदिर के सामने मनीष बैरागी के साथ जीतू निवासी सौरेदय नगर पुष्पेंद्र और राजेंद्र निवासी गंगानगर ने मारपीट की, जिससे उनकी पीठ पर चोट आई। पुलिस ने मनीष बैरागी की रिपोर्ट पर जीतू निवासी सौरेदय नगर पुष्पेंद्र और राजेंद्र निवासी गंगानगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। ये बताइए कहाँ पे आप पहुंचे हैं और रात के 3:30 बज रहे हैं, क्या कारण है जो आपको थाने पहुंचना पड़ा? कारण ये है कि एक 17 साल के बच्चे को पीठ पे सामने छुरे लगे हैं और वो इस हालत में थाने पे पड़ा हुआ है। 9 बजे से उसके ऊपर हमला करने वालों की रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, पर इसकी तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कायमी नहीं हुई। और वो बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो उसके साथी आए हुए थे मेरे फोन पे बताने के बाद भी यहाँ पे जो 2 स्टार थे वो रिपोर्ट लिख रहे थे, उन्होंने बोला था लिख रहा हूँ मैं, और उनको TI का फोन आता है और वो बाहर निकल जाते हैं, फोन स्विच ऑफ है उनके आज भी। जो करण सिंह जी 2 स्टार थे वो लिख रहे थे रिपोर्ट, पर TI के फोन के बाद वो निकले हैं यहाँ से। और TI हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के, जो एक विधायक के खड़े होने के बाद भी 1 घंटा हो गया मुझे, मैं यहाँ खड़ी हूँ पर उनको आने की फुर्सत नहीं।